The test input pin is tested by the wait instruction. If test is low, the wait instruction function as a knob, no operation. अगर टेस्ट फंक्शन जो है वो वेट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा है, टेस्ट करके देखते हैं, सिग्नल भेजते हैं, रिप्लाई नहीं आता तो नो ऑपरेशन, इसका मतलब है कि काम नहीं हो रहा। अब आते हैं इसकी क्यू एस नॉट और क्यू एस वन, दो पिन से ये भी, और दो पिन्स में चार हमारे पास स्टेटस हो सकती है, ठीक है ना। 00 मतलब नो ऑपरेशन, क्यू में कुछ है ही नहीं। 0 का मतलब है फर्स्ट बाइट, इसका मतलब है क्यू का पहला कोड, क्यू का पहला इनपुट हमने एक्सेस कर लिया। 10 का मतलब है कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू में कुछ भी नहीं है। 11 का मतलब है कि सब्सिक्वेंट बाइट ऑफ एन ऑफ कोड, एक कर लिया इसके बाद आगे वाला नेक्स्ट पे चले जाओ, यानी कि 01 पे पढ़ लिया था, अब इसको नेक्स्ट क्या होगा 11 होगा। यूं करके चार हमारे पास स्टेटस होती हैं और वो मैथ को प्रोसेसर के उसको एक्सेस कर लेती हैं। द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द 8087 को प्रोसेसर, द क्यू स्टेटस बिट इंडिकेट द कंटेंट ऑफ द इंटरनल इंस्ट्रक्शन क्यू अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। टेबल बना जो हमने अभी डिस्कस किया है कि 00 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 01 का मतलब है 10 का मतलब है कि फर्स्ट ऑपरेशन कोड हमने पढ़ लिया, मशीन ने पढ़ लिया उसको, तीसरा जो है वो 01 है और इसका मतलब है कि क्यू इज एम्प्टी, और 11 का मतलब है कि एक को रीड करने के बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। ये टोटल हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इसको यहाँ ये चैप्टर जो है हमारे पास, इसे मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ये हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर में यही पिन लेआउट करना था हमने। पिन लेआउट जो है ना वो 40 पिन्स का होता है। 40 पिन्स में से ए नॉट, ये एड्रेस लाइन्स हैं और ये एड्रेस और डेटा लाइन्स हैं, ये इंटरप वाली पिन्स हैं, इंटरप है, नॉन मास्किंग इंटरप है, क्लॉक है और ग्राउंड है, VCC है, एड्रेस है, स्टेटस के साथ है, S6 है, S5 है, S6 है। इसमें से किसी को कुछ सवाल पूछना है 8088 माइक्रोप्रोसेसर की जो आईसी हमने 40 पिन की है, इसमें से सवाल कौन सा आ सकता है? इसमें से एग्जाम के लिए आज से ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इसकी ये पिन लेआउट पता हो, इसकी लेबलिंग आपको करने आती हो, नंबर 2। नंबर 3, इतनी सारी पिन्स की जो कैटेगरीज हैं, 40 पिन डिवाइडेड इनटू 9 ग्रुप्स, सर आपकी आवाज कट रही है, सर एक बार फिर से बताइएगा। क्या चीज? ये एग्जाम के लिहाज से, हाँ एग्जाम के लिहाज से ना इस चैप्टर में 3 चीजें हैं हमें। पहली चीज तो ये कि इसका जो ये डायग्राम बनी है ना लेबलिंग के साथ, कि पिन नंबर 1 पे क्या है ग्राउंड, पिन नंबर 2 पे क्या है A14, एड्रेस 14 है, एड्रेस 13 है, और इस तरह से अप टू 20 तक एक तरफ है और 21 से लेके 40 तक एक है लेबल। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका ये है कि इनकी पिन्स की जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए ना, अभी ये हैं स्लाइड नंबर
ये स्लाइड नंबर 11 मिली ना, एड सॉरी एट द 88 पिंस मे बी ग्रुप्ड टू द फॉलोइंग 9 कैटेगरी। ये जो 9 कैटेगरीज हैं वो एक्सप्लेन किया अभी मैंने आपको, बताइए उनके फंक्शंस के सप्लाई के लिए, क्लॉक के लिए 3 पिंस हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड पे कौन सी होती हैं, स्टेटस के लिए कौन सी होती हैं, बस मास्टर के लिए कौन कौन सी पिंस हैं, इसी तरह से इंटरप्ट के लिए पिंस के लिए कौन सी हैं, फिर रीसेट की होती है, बस कंट्रोल के लिए काफी सारी पिंस होती हैं, बस कंट्रोल के लिए होती हैं वो सारी सारी। 8वीं एड्रेस डेटा लाइंस के लिए होती हैं, स्टेटस के लिए होती हैं। 9 जो है वो मैथ को प्रोसेसर के लिए होती है या को प्रोसेसर के लिए भी कहलाती है, ठीक है। ये 9 ग्रुप्स ऑफ पिंस हैं।